हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं गोविंद सरकार और आप लोगों के लिए लाया हूं आज मैं एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया खुशखबरी, जिसे आप सुनकर शायद खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि आप भी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि SBI PO के लिए कब नोटिफिकेशन जारी करेगा और कितने पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आएगा, कितने पोस्टों के लिए वो वैकेंसीज निकालेंगे, उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट क्या होगा, एग्जाम्स डेट कब क्या होगा, किस किस कैटेगरीज में कितने कितने पोस्ट होंगे। इन सारे सवालों का आंसर मैं आपको इस वीडियोज में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को तुरंत दबा दीजिए, क्योंकि आप नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो की बस शुरुआत करते हैं। तो SBI ने कल रात को 2000 पोस्टों पे PO के लिए वैकेंसीज निकाली है, मतलब PO पोस्ट के लिए उन्होंने 2000 पदों की वैकेंसीज निकाली है। दोस्तों, इससे पहले आपको पता है कि SBI ने क्लर्क पोस्ट के लिए 8000 पदों की वैकेंसीज उन्होंने निकाली थी। तो 8000 क्लर्क के कंपैरिजन में 2000 PO बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों, आप इसमें तुरंत बिल्कुल निराश ना हुए, 2000 पद बहुत ज्यादा है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आपका प्रिपरेशन अच्छा है, तो आप जरूर इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे और इसके लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, इन्होंने इसमें क्वालिफिकेशंस रखा है, ग्रेजुएशंस, आप किसी भी रेपुटेड किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट्स की डिग्री होनी चाहिए, आपका परसेंटेज कितना है ये कोई मायने नहीं रखता है इसमें। प्लस इसमें इन्होंने एज लिमिट रखा है 21 से 30 साल, 21 से 30 साल। प्लस इसमें कैटेगरी वाइज एज लिमिट में छूट दिया हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर इसमें आप एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फी इसमें SBI ने इस बार रखा है SC ST PWD के लिए 100 रुपए और जनरल और OBC वालों के लिए 600 रुपए। दोस्तों, इसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट की बात करते हैं तो इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म 21/4/2018 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो है 13/5/2018। दोस्तों, आपको पता है इसमें जो PO में सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दो रिटन टेस्ट होते हैं और एक इंटरव्यू होता है। तो इसमें आपको पहला प्री क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको मेंस क्लियर करना पड़ता है, मेंस क्लियर करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए बैठ पाएंगे। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो प्री एग्जामिनेशन डेट की बात करते हैं तो प्री एग्जामिनेशन डेट है दोस्तों 1, 7, 8 जुलाई, मतलब तीन डेटों पे एग्जाम होगा, 1 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, जुलाई 2018 को। अगर दोस्तों अगर हम मेन एग्जाम्स की बात करते हैं तो मेन एग्जाम होगा दोस्तों आपका 4 अगस्त 2018 को। अच्छा, अगर हम इसमें इंटरव्यू की बात करते हैं, जैसे आप मेंस क्लियर हो गए, मेंस आपका क्लियर हो गया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू का डेट इन्होंने रखा है 24 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच आपको कभी भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। और दोस्तों, इसमें हम 2000 पोस्ट की अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी वाइज कितने सीट है, तो जनरल वालों के लिए सीट है 1010 सीट है, SC वालों के लिए 300 सीट है, ST वालों के लिए इन्होंने रखा है 150 सीट और OBC के लिए इन्होंने रखा है 400, 540 सीट है। दोस्तों, ये रहा पूरा नोटिफिकेशंस जो SBI ने जारी किया है। आप इसका नोटिफिकेशन उनके वेबसाइट्स पे जाके भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, आप वहां से भी उसको विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट्स करता है और इसी मोटिवेशंस के चक्कर में हम आपके लिए नए नए रोज रोज नए नए नोटिफिकेशन नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।